शुरू कर दे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? नाजिर। नाजिर भाई क्या काम करते हो? कारपेंटर का काम है हमारा। अच्छा, केरल में संतान भाई के साथ में काम करते हैं। ठीक है, कितने दिन हो गए केरला में काम करते हुए? केरला में हो गए मैक्सिमम 5 साल होने गए हैं। अच्छा, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो शुरू में कहाँ पे कर? करुणागापल्ली कोल्लम जिला। अच्छा, करुणागापल्ली कोल्लम में। उसके बाद फिर? उसके बाद उधर से ही सारे एरियो में काम मिलने लगा। उधर से वायनाड है और क्या बोलते हैं तिरुवनंतपुरम, इधर एर्नाकुलम में भी काम करा, बहुत सी जगह काम करा। अच्छा, थोड़ा आवाज़ कम कर लियो जरा। फिर उसके बाद में? उसके बाद में काम मत्ता पड़ा हुआ है, बस खाली बैठे। इस टाइम तो सभी का काम स्लो चल रहा है यार, काम तो इस टाइम बहुत स्लो ही है। अभी तो ऐसे समझ लो कर रही बेले हो रहे। कोई बात नहीं, तुम नहीं आ रहे हो सद्दाम भाई, तुम तो लेट है आराम से। अच्छा ये बताओ, हाँ? जो पहले तुम आए थे करुणागापल्ली में आए थे, कौन से सन में, कितनी सन में आए थे? मैं आया था शायद सन 16 में आया। अच्छा अच्छा, 16 में आए थे, तो 16 से आप 2023 चल रही है। कितने साल हो गए? 7 साल होने जा रहे हैं। 7 साल होने जा रहे हैं। तो मलयालम थोड़ी बहुत सीख गए? नहीं सीखे? हाँ थोड़ी बहुत, अपने काम चला हुआ थी बस। कि क्या क्या बोल लेते हो? अब ऐसे कैसे बोल के बता दूँ? सब सब्जी के नाम बताओ थोड़ा बहुत। सब्जी के नाम? कौन सी सब्जी का बताओ? टमाटर का तरकारी, हरी मिर्च का पचमुड़ा। अच्छा हाँ हाँ, जब दुकान पर जाते हो तो। अच्छा, यहाँ का केरला का खाना कैसा लगा तुम्हें? खाना सही है। चोर बढ़िया? चोर तो भैया भाई साहब सही है, जो भी है थोड़ा नीचे गया था थोड़ा। अच्छा, चोर बढ़िया लगता है? बिरयानी यहाँ की बिरयानी बढ़िया है? हैदराबाद की? हैदराबाद गए हो तुम? हैदराबाद नहीं गया। अच्छा, वैसे चोर इधर का सही है, जो भी बाहर के लोग काम करने वाले मेरे हिसाब से। चोर खाओ और पैसा बचाओ, सस्ते में काम निपटाओ, सस्ते में काम निपटाओ और फिर मोटे भी होके जाओ। सही सही बात है, जैसा चोर मोटा होता है वैसे ही मोटा कर देता है। केरला में दिल लगता है तुम्हारा? केरला बहुत बढ़िया जगह है ना? केरला आगे बात मानिए, केरला एकदम सुकून और शांति वाली जगह है। हाँ, आराम से कोई ना किसी से जाएगा। सही बात है। तो हमारे चैनल के बारे में क्या बोलना चाहते हो सर? कुछ लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कुछ? हाँ भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक भी करो साथ में। और क्या कहते हैं, अभी काम शुरू होने के लिए और काम शुरू करने के बाद में और भी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी काम की, नए आइडिया आएंगे काम के बारे में, कौन सी चीज़ कैसे क्या करना है, कैसे लगती है कैसे नहीं लगती होने के लिए। तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अच्छा, किचन कबोर्ड सब मटेरियल के इंटीरियर में क्या क्या यूज़ करते हो तुम इंटीरियर के काम में? इंटीरियर में प्लाई बोर्ड है, मल्टी बोर्ड है और क्या HDMR है और बहुत से बोर्ड है और टेक्सचर बोर्ड है। अच्छा, जो आता है टेक्सचर बोर्ड वो है। बहुत से लोगों को पता नहीं है टेक्सचर बोर्ड क्या है क्या नहीं है। पाइन का काम कराना है ना, उन लोगों को पता है टेक्सचर बोर्ड क्या है। और किचन किस माल में बनाना चाहिए? किचन तो प्लाई बोर्ड में बनाना चाहिए। और बैक साइड में मल्टी बोर्ड लगाना चाहिए या प्लाई बैक साइड में प्लाई बोर्ड? नीचे के बॉक्स में मल्टी बोर्ड लगाना चाहिए, ऊपर के बॉक्स में वैसे प्लाई बोर्ड लगाओ तो अच्छा है। अच्छा, नीचे वाले में क्या है कि पानी की प्रॉब्लम होती है, समझ रहे? हाँ सही बात है। मल्टी बोर्ड में पानी से कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी मल्टी बोर्ड पर पानी से। अच्छा अच्छा, और एज बैंड कितने एमएम की लगानी चाहिए? 2 mm की लगानी चाहिए। 2 mm डोर के साइड में 2 mm। हाँ, और जैसे बॉक्स पे जो अंदर बॉक्स बनाते हैं उस पर? बॉक्स 1 mm की जो आती है वो सबसे बढ़िया रहती है। अच्छा, वो काय से लगाते हो? एज बैंड हीटेक्स लगाते हो, निकलता तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो कहीं से शिकायत आई नहीं। अच्छा, एक और भी चला है प्रोबॉन्ड।
इससे भी लगाई है, अच्छा लेकिन प्रोबोन से थोड़ी शिकायत आई है एक साइड से। अच्छा चलो दोस्तों, इंटीरियर की जानकारी इस चैनल में मिलती रहेगी, और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।